सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे के सुन मेरे लेख लिखियो। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे के सुन मेरे लेख लिखियो। मैं वारी जामा, मैं वारी जामा के सोने मेरे लेख लिखियो। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखियो। जय हो गुरुदेव। बोलिए प्यारे सतगुरु महाराज। श्री राम हाथां विच लिख दियो सेवा गुरां दी, हाथां विच लिख दियो सेवा गुरां दी, सेवा कर दी कदे भी ना थका, कदे भी ना यका के सोने मेरे लेख लिखियो। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखियो। जय हो। पैरां विच लिख दियो सतसंग नूं जाना, पैरां विच लिख दियो सतसंग जाना, सतसंग जांदी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का के सोने मेरे लिख लिखियो। सतसंग जांदी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का के सोने मेरे लिख लिखियो। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा के सोने मेरे लेख लिखियो। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखियो। बोलिए लाडली सरकार।
अखां विच लिख दियो दरस गुरां दा, अखां विच लिख दियो दरस गुरां दा, ओ दर्शन कर दी कदे भी ना थका कदे भी ना अक्का, के सोने मेरे लेख लिखियो सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखियो। बोलिए प्यारे सतगुरु महाराज के विच लिख देओ नाम गुरां दा, विच लिख देओ नाम गुरां दा, साह विच लिख देओ नाम गुरां दा, साह विच लिख देओ नाम गुरां दा, नाम जपदी कदे भी ना थका कदे भी ना अक्का, के सोने मेरे लेख लिखियो सतगुरु मेरे कलम हाथ ओए मैं वारी वारी जामा मैं वारी वारी जामा के सोने मेरे लेख लिखियो सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखियो। कदे ना तू देवी मेरे बुरा दा बिछोड़ा, 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 बिछोड़ा से हा ना जाए मैं तो रेहा ना जाए सोने देख लिखे, बिछोड़ा से हा ना जाए मैं तो रेहा ओए मैं वारी वारी जावा मैं वारी जावा के सोने मेरे लेख लिखियो गुरु जी गुरुदेव के सोने कदे
ना तू देवी मेरे गुरा दा बिछोड़ा बिछोड़ा से हा ना जाए मैं तो रेहा ना जाए सोने लेख लिखे ओ सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखे ओ बोले प्यारे सतगुरु महाराज की गणपति भगवान की माँ शारदा तेरी श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो ए मेरी माई सचियां सुचियां जोता वाली माता सदाई जय हो के जय प्रेम से कहना पड़ेगा जी प्रभु दीन श्री रक्त और मतों मतमान सीसा श्री हरि अस्तिवा और जितने मोहत विश्व द्वारा आदि लय पे संग में नित प्रतिदिन उपस्थित श्री महाराज को ने सकते हैं आप सब ठाक भक्तों को प्रणाम दे राधे के गुरु जी बिंद और चैत्र संक्रांति भी है सब अभी को से राधे राधम से जीवन को बदल देने वाली चित्र चरित्र तस्वीर और तकदीर बदलने वाली यह कथा जिस कथा को हर कोई करवा नहीं सकता हर कोई सुन नहीं सकता हर किसी के हाथों से इस कथा में दान नहीं हो सकता ऐसी विचित्र कथा जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को देने वाली है एक बात याद रखियो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने बगैर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ना होगा और कृष्ण के बगैर मुक्ति ना होगी एक बार पुनः सभी श्रवण करें और सदैव याद रखें कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने बगैर भगवान श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती इसलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश हमें मिले ऐसी भगवान कृपा करें और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर हमें प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया से निस्वार्थ निश्चल निष्कपट निस्वार्थ प्रेम हो और मेरे प्यारे फिर कृष्ण भगवान से जब प्रेम होगा तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम तो होगा और प्रेम भगवान से होगा जब तो भगवान ने गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से याद करते हैं मैं उसे उसी भाव से याद करता हूं जो जिस तरीके से जो जिस तरीके से मुझे याद करते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार याद करता हूं तो मेरे प्यारे एक बार प्रेम से राधे राधे कहना पड़ेगा राधे राधे जब हमें भगवान से प्रेम होगा तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते त
एकांश तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार का मेरे साथ संबंध रखते हैं मैं उसके साथ वैसा ही संबंध रखता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे, और जब प्रभु हमसे प्रेम करेंगे तो हमारे जैसा कौन भाग्यशाली होगा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में। मुक्ति हमारी मुट्ठी में होगी और भुक्ति ये दुनिया के साधन हमारे पांव के जूते के नीचे। इसलिए मेरे प्यारे, सबसे पहले भगवान कृष्ण कन्हैया से प्रेम होना परम आवश्यक है, और प्रभु से प्रेम हो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करना परम आवश्यक है। तो चलिए, ठाकुर जी की अनंत कृपा, एएसआई साहब श्री नरेश जी और इनके परिवार के ऊपर अनंत अनंत कृपा हुई है। हालांकि जून महीने में एएसआई साहब श्री नरेश शर्मा जी ये अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो धार्मिक समागमों पर अंकुश लगा है, सरकार ने अभी तक धार्मिक समागमों को करवाने की अनुमति नहीं दी है। उसके चलते सरकार द्वारा समस्त नियमों का पालन करते हुए इन्होंने उस पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को राधे राधे आश्रम से लाइव होने वाली कथाओं में से एक कथा की सेवा ली, और ये अद्भुत कृष्ण प्रेम है श्री नरेश जी में, श्री नरेश शर्मा जी एएसआई साहब, और इनका ऐसा प्रेम जून महीने में अपने घर में तो कथा करवानी ही थी लेकिन नहीं करवा पाए लॉकडाउन के चलते, तो नहीं रहा गया। भगवान कृष्ण से संबंध हमारा जुड़ा रहे, प्रभु से हमारा संबंध जुड़ा रहे और हम प्रभु से जुड़े रहें। प्रभु की कथा को जून महीने में अपने घर में नहीं करवा पाए कोई बात नहीं, लेकिन राधे राधे आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र मिनी वृंदावन में कथा करवा करके इन्होंने अपने अद्वितीय प्रेम की एक बार फिर से मिसाल प्रस्तुत की है। वैसे तो पिछले कई वर्षों से इनके भाई साहब सूबेदार साहब और ये श्री नरेश कुमार जी, इनके को एक और भाई साहब, ये पूरा परिवार अपने गांव में भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवा करके पूरे गांव को इन्होंने राधे नाम में रंगा है, कृष्ण नाम में रंगा है। और लगभग प्रत्येक वर्ष यह परिवार अपने घर में, अपने गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवा करके पूरे क्षेत्र को धर्म के साथ जोड़ता है यह परिवार। और इस बार भी इनके घर में कथा होगी, लेकिन प्रतीक्षा ना कर पाए, प्रभु श्री कृष्ण की गोदी में हमें बैठना है, और प्रभु श्री कृष्ण की गोदी में बैठने के लिए विलंब ना हो। वैसे भी हमारे महापुरुषों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। धर्म के कार्य में, दान के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी विलंब नहीं होना चाहिए, उसे आज नहीं, अभी नहीं, अब ही करो, तत्क्षण कर दो। और यदि हम कोई बुरा कार्य करने चले हैं, अधर्म का कार्य करने चले हैं, चुगली निंदा करना चाहते हैं, किसी से झगड़ना चाहते हैं, चोरी ठगी करना चाहते हैं, फिर उसको उस कार्य को करने में विलंब करें। धर्म का कार्य करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, तत्क्षण कर देना चाहिए। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, ये परिवार श्री नरेश शर्मा जी ये अपने घर में भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाएंगे, लेकिन तब तक ठाकुर जी से हमारा संबंध जुड़ा रहे, संबंध बना रहे, और हमारे माध्यम से अन्य लोगों का भी संबंध भगवान से बना रहे, यह मैंने कामना रख करके एएसआई साहब श्री नरेश शर्मा जी और इनके पूरे परिवार ने इस कथा को राधे राधे आश्रम से लाइव करवाया है।
इस लाइव कथा की सेवा ली है। तो एक बार पुनः इस परिवार को राधे राधे आश्रम से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद, और यही विनती है भगवान से कि प्रभु सदा सदा इस परिवार को यूं ही कृपा प्रदान करके रखे, अपने चरणों में जोड़ के रखे, और इस वंश में, इस परिवार में आने वाली अनंत पीढ़ियां यूं ही भगवान और धर्म के साथ जुड़ने वाली हों, जुड़ी रहें वो पीढ़ियां, और धर्म के कार्य करवा करके अपने क्षेत्र में, इलाके में एक कीर्तिमान स्थापित करें, और अन्य लोगों को भी धर्म के साथ जोड़ने का सतत प्रयास करते रहें। तो चलिए एक बार प्रेम से कहना होगा श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और वैसे भी एएसआई साहब हमारे पिछली कथाओं में ये कई वर्षों से कथा करवा रहे हैं, और इनके प्रेम को देख करके, इनके भक्ति भाव को देख करके, प्रभु कृष्ण से जो इनका प्रेम है उस प्रेम को देख करके, हमने तो इनको कई बार कहा है कि ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया की गोपी हैं। और देखो कितना बड़ा सत्कर्म, एक और लुधियाना में ड्यूटी देकर के कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, उस महामारी के खिलाफ ये महान योद्धा सतत निरंतर सेवा कर रहे हैं, उस कोरोना महामारी को हम लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोग अपने घरों में बैठकर के भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर बनी रहे, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर के हम सभी पुण्य के भागी बने, इस उद्देश्य से ये कथा भी करवा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं मेरे प्रभु श्री कृष्ण के इस अर्जुन को बहुत बहुत आशीर्वाद, और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, और ठाकुर जी से यही विनती है कि इस परिवार के ऊपर यूं ही परमात्मा कृपा बना के रखें, और सूबेदार साहब तेजिंदर शर्मा जी और एएसआई साहब के भाई साहब एक और हरिओम जी, इन तीनों भाइयों को जितना आशीर्वाद ठाकुर जी का मिले मेरे ख्याल से वो कम है, क्योंकि इन्होंने माता श्री प्रकाशो देवी जी, अपनी माता जी के हाथों से इस पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को करवाया है, और ये तीनों भाई ऐसी संतान आज के समय में होना बड़ा मुश्किल है मेरे प्यारे। कितनी तड़प आज का समय, कलयुग जहां एक और लोग लूटपाट में लगे हैं, ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जो मंदिरों के गल्ले ही उखाड़ के ले जाते हैं भैया। ऐसे कलिकाल में जहां एक और इंसान को खाना कमाना और जोड़ना, इन तीन कार्यों के अलावा अन्य कोई कार्य इनके दिल दिमाग में है ही नहीं, ऐसे विलक्षण समय में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यह परिवार अपनी मैया के हाथों से, ये तीनों भाई श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा को करवा रहे हैं। तो जितना भी आशीर्वाद इनके लिए परमात्मा से मिले उतना कम है, क्योंकि ये तीनों भाई जिन्होंने कई वर्षों से, हम इनके गांव में जब पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने गए तो इसी परिवार के माध्यम से गए, और भव्य इनके गांव में भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, और फिर कथाओं के चलते ठाकुर जी की अनंत कृपा से एक बहुत बड़ा हॉल भी उस गांव में बन गया, कई लाखों रुपए का खर्च करके इन गांव वालों ने भागवत धर्म का अनुसरण करके, भागवत कथा की प्रेरणा से दान करके अपने गांव में एक भव्य, एक विशाल हॉल का निर्माण किया, जहां पर पूरे गांव के लोग जो हैं आकर के धार्मिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं, कार्यक्रम होते भी रहते हैं।
तो इस परिवार ने उस गांव में जिस प्रकार अधर्म और धर्म के युद्ध में पांडवों ने अधर्म के खिलाफ धर्म का साथ देकर के भूमिका निभाई, तो मेरे प्यारे ठीक यह परिवार भी इस कलिकाल में कलयुग के जो कलमश हैं, जो कलयुग के दोष हैं, वो हमारे गांव वासियों के चित्त में आकर के बैठे ना, उनके घरों में कलेश ना हो और पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि फैले, लोग धर्म के मार्ग पर चलें, तो कहीं ना कहीं इस परिवार ने भी पांडवों जैसी भूमिका निभाई है। तो जितना भी आशीर्वाद इस परिवार को राधा कृष्ण भगवान का कहा जाए उतना ही कम है। ठाकुर जी से यही विनती कि इनके ऊपर कृपा सदैव सदैव बना के रखे। तो चलिए एक बार प्रेम से कहना होगा राधे कृष्ण राधे। तो चर्चा चल रही थी मेरे प्यारे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बगैर कृष्ण प्रेम चित्त में उत्पन्न नहीं हो सकता। और कैसा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, निष्कपट प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें सिर्फ लुटाना है, कुछ पाना नहीं है, सब बस लुटा देना है। और जब तक कृष्ण प्रेम ना होगा चित्त में, तब तक कृष्ण भगवान का मिलन होगा कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और कृष्ण भगवान की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा आज से हम श्रवण करने जा रहे हैं और आज हम थोड़ा महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। और महात्म्य का अर्थ, जिस प्रकार हम मकान बनाने से पहले मकान की नींव भरते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी जब हम कथा सुनते हैं तो उस कथा का महात्म्य सबसे पहले सुनाया जाता है कि उस कथा की, उस यज्ञ की महत्वता क्या है, फायदा होने वाला है क्या नुकसान होने वाला है। महात्म्य में इस पवित्र महायज्ञ का, इस महायज्ञ की महत्वता क्या है, आज ये चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और मुख्य रूप से स्वामी श्री सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का संवाद है। श्री वेद व्यास जी महाराज जी की पवित्र रचना है और समस्त वेद पुराण और शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे प्यारे, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा सुन ली, फिर उन्हें कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से वृंदावन जाने से आपको समस्त तीर्थ और धाम करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से आपको समस्त वेद शास्त्र और पुराणों को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। तो हम सभी भाग्यशाली हैं जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पवित्र कथा सुननी सुलभ हुई है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में तीसरे अध्याय के स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजन्म मात्रमपि येन चटेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच खरवत वत तेन नीतं मिथ्या स्वजनम जननी जनि दुख भाजः।
स्पष्ट रूप से लिखा कि जिसने पूरी जिंदगी में पूरे जीवन में आजन्म आजन्म मात्रम अपि ये न छेटे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी में ज्यादा नहीं तो एक बार भी बड़ी श्रद्धा से इस पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नहीं सुना, तीसरा अध्याय महात्म्य का और 42वां श्लोक, जिस इंसान ने पूरे जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पवित्र कथा का रसा स्वादन नहीं किया, चंडाल वच खरवत वत तेन नीतम, उसने अपना जीवन एक गधे की तरह व्यर्थ गवा दिया। और मिथ्या स्वजन मजननी जनी दुख भाजा, उसने जन्म लिया तो मात्र अपनी मां को मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए, उसका जन्म किसी और हेतु से नहीं हुआ, मात्र अपनी मां को मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई स्त्री, जब एक मां एक संतान को जन्म देती है तो उसको इतनी ही पीड़ा होती है मानो मृत्यु तुल्य कष्ट। संतान को जन्म देते समय एक स्त्री अपने सामने अपनी मृत्यु का दर्शन कर लेती, मृत्यु तुल्य कष्ट। मिथ्या सुजन्म जननी जनी दुख भाजा, अपनी मां को मात्र मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए ही वो पैदा हुआ है। कितनी बड़ी बात कही। और कि दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवः कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। चौलीसवां श्लोक, दुर्लभैव कथा लोके, इस संसार में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, पैसा आसानी से मिल सकता है, पत्नी आसानी से मिल सकती है, संतान भी आसानी से मिल सकती है, मकान कोठी बंगला गाड़ी प्रॉपर्टी ये सब चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन मेरे प्यारे दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवः, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इस कथा को मैंने अभी कहा हर कोई इस कथा को सुन नहीं सकता, हर कोई इस कथा को करवा नहीं सकता। अब करवाने वाले की बात बात में करते हैं, लेकिन सुनने वाले जो आप सभी जो लाइव भी इस कथा को सुनते हैं शेयर करते हैं, आपके लिए आप भी साधारण नहीं है, और आप जितने भी लाइव इस कथा को भक्तवृंद सुन रहे हैं आपके जैसा भी भाग्यशाली सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, जो लाइव कथा सुन रहे हैं वो ध्यान दें जरा, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं और जब उन सभी पुण्यों के इकट्ठा होने से जो उसका फल उत्पन्न होता है उसके फल स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। इसका मतलब यह हुआ स्पष्ट तौर पर, आप जो ये कथा सुन रहे हैं मेरे प्यारे, आप सभी ये स्पष्ट तौर पर समझ लें जान लें कि आप लोग कितने
जन्मों के आपके पुण्य रहे होंगे, आप तो बार बार कथा सुन रहे हैं। कुछ एक ऐसे भी भक्त वृंद हैं कि जिस दिन से हमने लाइव सत्संग और कथाएं करनी शुरू की राधे राधे आश्रम से, वो नित्य प्रतिदिन लगातार कमेंट करते हैं, लगातार हर सत्संग कथा को शेयर करते हैं और नित्य प्रतिदिन वो जुड़े रहते हैं। समय चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन जैसे ही सत्संग या कथा शुरू होती है, एकदम से वो रसपान करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। स्पष्ट रूप से बस एक बात समझ लो कि आप सभी के भी कोटि जन्म समुत्थान पुण्य नैव तुलभ्यते, आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य वो इकट्ठे हो गए हैं आज, और उनके फल स्वरूप आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी सुलभ हो रही है। और कहा 45वें श्लोक में कि तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जो लोग अपना भला चाहते हैं, वो किसी भी अवस्था में इस कथा को छोड़े ना, बस सुनता रहे। लेकिन सुनता तो रहे, एक बार फिर से याद रखना कि हर कोई सुन नहीं सकता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अभी तो कहा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। जिन्होंने पिछले जन्मों में सत्कर्म किए हुए हैं, पुण्य कर्म किए हुए हैं, वही कथा सुन सकते हैं, सभी नहीं। अब कई सनातन विरोधी जिनकी खोपड़ी में गंदगी, जिनके पूरी जिंदगी में और पूरे वंश में गंदगी, जिनके घर में गंदगी, अब वो बेचारे वो गलत कमेंट करेंगे कथा में। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, क्योंकि वो सबूत देंगे कि हम कितनी गंदगी में, हम लोग कितने दलदल में, गंदगी की दलदल में धसे हुए हैं। लेकिन यहां पर चर्चा चल रही है आप सभी के सौभाग्य की, कि जो लाइव कथा सुन रहे हैं भक्त वृंदो, आप अपने आप को कोई साधारण मत समझ लेना। आपको आपके पड़ोसी अच्छा नहीं कहते हैं, बेशक हो सकता है कि आपके रिश्तेदार भी आपको अच्छा ना समझे, हो सकता है कि आपके शरीक आपके गांव में, आपके गांववासी आपको अच्छा ना कहते हो, लेकिन आप अच्छे हैं। क्यों, कैसे? मेरे कन्हैया कह रहे हैं, मेरे बांके बिहारी लाल ने तुम्हें चुन लिया, मेरे बांके बिहारी लाल ने तुमको अपनी कथा सुनाने के लिए तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तुम इस वक्त गंदे गाने नहीं सुन रहे हो, तुम गंदी मूवी नहीं देख रहे हो, इस वक्त आप भक्ति और मुक्ति देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा को सुन रहे हो। और इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब सुन रहे हैं। आपको दुनिया वाले अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं, कोई मतलब नहीं। आज इस पवित्र राधे राधे आश्रम से मेरे ठाकुर जी आपको ये सबूत दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि आप अच्छे थे, आप अच्छे हैं, और आपको और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ज्यादा निखारने के लिए, संवारने के लिए, चमकाने के लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पवित्र कथा को मैं सुना रहा हूं, ताकि आप लोग जब तक दुनिया में हो भुक्ति प्राप्त करें, और जिस दिन दुनिया से जाना हो उस दिन मुक्ति मिले। इसलिए जितने भी भक्त वृंद लाइव इस वक्त जुड़े हमारे साथ, वो प्रेम से राधे राधे कह दीजिए। राधे राधे, राधे। तो मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा
जिस कथा को सुनने के बाद आपको कुछ भी सुनने के लिए शेष नहीं रहता है, सब कुछ सुन लिया आपने, सभी वेद शास्त्र पुराणों का सार है, निचोड़ है। और अब कथा करवाने वाले की बात करते हैं, शर्मा फैमिली, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, गांव पचरंडा, और इस गांव में ये ठाकुर जी के आशीर्वाद से धर्म के स्तंभ ये तीनों भाई, इनके द्वारा कमाया हुआ धन, उस धन में से कुछ अंश भगवान की कथा में लग रहा है। हालांकि हमारे एएसआई साहब, इनकी मातुश्री, उन्होंने वृंदावन में भूमि दान भी की है, हमारे ठाकुर जी का जो पवित्र दुख निवारण गोपाल गोपाली आश्रम वहां पर बनाया जाएगा, उस आश्रम के लिए इन्होंने काफी भूमि भी दान की है, और निर्माणाधीन दुख निवारण गौशाला के लिए भी 21,000 रुपए का इन्होंने दान किया है, और राधे राधे आश्रम में गत वर्षों से इस परिवार के द्वारा बहुत ज्यादा दान आता रहा है, आता भी रहेगा। और याद रखना कि हर कोई ये दान नहीं कर सकता, धर्म के कार्य में सभी का पैसा नहीं लगता, बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा बुरी जगह लगेगा, गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो गलत तरीके से ही जाएगा, वो अच्छे कार्यों में नहीं लग सकता, क्योंकि गलत कमाई जो होती है, बुरी कमाई जो होती है ना, उस धन से खरीदा हुआ अन्न और उस अन्न से बना हुआ रक्त हमारे चित्त में, हमारे मन में कभी धर्म की ओर चलने का भाव उत्पन्न करता ही नहीं है। और अधर्मी लोग इन कथाओं को, ये धर्म के कार्यों को पाखंड बताते हैं, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि, भगवान ने उनको बुद्धि ही उतनी दी है। लेकिन जिन लोगों के घर में ईमानदारी का धन आता है, जो अपने चित्त में किसी के प्रति छल कपट नहीं रखते, जो सदैव सबका भला सोचते हैं, उन नेक लोगों की नेक कमाई का नेक धन ही ऐसे यज्ञों में, ऐसी कथाओं में लगता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ऐसी कथाएं हर कोई नहीं करवा सकता। मैंने लगभग कथाओं में हर बार ये विनती करी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए कम से कम दो शर्त पूरी होनी चाहिए, याद रख लेना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए कई लोग ऐसे ऐसी चर्चा कर देते हैं, ऐसी बातें भी कहते हैं कि दो नंबर का पैसा कमाओ फिर कथा करवा लो, ये कथा करवाना नहीं होता, फलाना ढिमका, कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं। आपने मे बी सोशल मीडिया पर ऐसे कोई वीडियो देखी हो, कोई ऑडियो कुछ ऐसा सुना हो आपने मे बी, लेकिन डायरेक्ट कह रहा हूं कि बुरी कमाई, गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो अच्छे कार्यों में नहीं लग सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली, कमाई नेक होनी चाहिए, ईमानदारी का पैसा होना चाहिए। और दूसरी शर्त कौन सी? करवाने वाला नेक और ईमानदार होना चाहिए, उसके दिल में किसी के प्रति छल कपट भेदभाव ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। नहीं तो रखी हुई कथाएं कैंसिल हो जाती हैं, रखी हुई कथा। और इस परिवार ने भी कथा रखी थी, लेकिन देखो हम यहां लाइव कथा जो कर रहे हैं, जितनी भी लाइव कथा यहां हो रही है और आगे भी सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत से भक्त वृंद उनके बार बार निवेदन महेश आचार्य महेश कौशल जी के पास पहुंच रहे हैं कि हमारी कथा की बुकिंग करिए, तो ये वो भक्त वृंद हैं जिनके घरों में नेक कमाई और ये खुद भी नेक हैं। अभी ये कथा क्या कथा चल रही थी तो वहां पर
ये ऐसा ऐसा पधारे, पूरा परिवार वहां आता रहा, नित्य प्रतिदिन इन्होंने कथा श्रवण की। और बड़ी कृपा रही ठाकुर जी की, जब उसी कथा में चर्चा हुई थी कि कथा हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवानी है पुनः, तो फिर जून महीने का लगभग टारगेट था कि इस महीने में ये कथा करवाई जाए, लॉकडाउन के चलते कथा कैंसिल हो जाती, लेकिन नहीं हुई, ठाकुर जी ने फिर भी कथा करवा ली। और जैसा कि जिन भक्तवृंदों ने यहाँ कथा करवाई है और जो अपने घर में कथा करवाना चाहते हैं, तो उनकी ये विनती है कि यहाँ से कथा तो करवा ही रहे, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा, ये कोरोना जैसी महामारी ये हमारे देश से बाहर चली जाएगी, सरकारों द्वारा फिर से धार्मिक समागम करने की अनुमति मिल जाएगी, फिर अपने घर में भी हम कथा करवाएंगे। तो विचित्रता ये है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी रखी हुई कथाएं कैंसिल नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये कथा करवाने वाले साधारण नहीं है। और मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, वो कान खोल के सुने कि ये लोग साधारण नहीं है, और इनके साथ अपना मैत्री भाव बना के रखना। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन ये दिल से नेक हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण है कि ये कथा करवाने वाले इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिनकी रखी हुई कथाएं कैंसिल ना हुई, कितनी बड़ी कृपा इनके ऊपर ठाकुर जी की, और कितनी नेकी होगी इनके अंदर, इनके प्रति कभी अपनी अपने चित्र में चित्त में शत्रु भाव मत रखना, अपना मैत्री भाव बना के रखना। और मेरा विश्वास है कि यदि तुम इनके साथ मैत्री भाव बना के रखोगे, पूरी दुनिया बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन ये लोग, ये मेरे ठाकुर जी के लाडले और सच्चे और नेक भक्त, ये तुम्हारा किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आज इस पवित्र व्यास पीठ से डायरेक्ट कह रहा हूं, ये जो कथा करवाने वाले हैं, इनको भगवान ने सबूत दे दिया कि ये इनसे ज्यादा नेक कोई नहीं है तुम्हारे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने वाला। ये धोखेबाज नहीं हो सकते, ये फरेबी नहीं हो सकते, ये दिल से तेरा साथ देने वाले हैं, दिल से। इसलिए हो सके तो इनके साथ अपना संबंध बना के रखना। केवल वंके बिहारी लाल की जय हो। तो मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए दो शर्त, पहली शर्त के कमाई नेक होनी चाहिए, दूसरी शर्त बंदा नेक होना चाहिए। और ये जो कथा करवा रहे हैं, यार मैं ये सभी गुण हैं, इसलिए तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो कथा कैंसिल नहीं हो सकती इनकी। राधे राधे बोलो। और जितने भी भक्तवृंद लाइव इस कथा को सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने, तीसरे अध्याय के 50वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि ये फलं नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वम् सप्ताह श्रवणे लभे। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल जीवन भर तपस्या करने से ना मिलेगा, न योगेन समाधि, न समाधि लगा करके, और बड़ा हठ बड़ा तप करके भी जो पुण्य जो फल नहीं मिलता, मात्र वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुद्ध चित्त से श्रद्धा से सुनने से वो फल प्राप्त हो जाता है। अनायासेन, अचानक, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, आसानी से मिल जाता है अनायासेन। करना क्या है, सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए, लेकिन समस्या तो वहीं आकर के खड़ी हो गई ना, क्या कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, हर कोई यह कथा सुन नहीं सकता, लेकिन जिनको यह कथा सुननी मिल रही है,
जिन लोगों को ये कथा सुनना सुलभ है, जो सुन सकते हैं वो अवश्य सुने और अवश्य सुनते रहें। क्यों सुनते रहें? क्योंकि क्योंकि बंसी वाला भी तुम्हें गले लगाना चाहता है, तुम्हें इन कथाओं की सूचना कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए, वही मेरे कृष्ण भगवान का तुम्हारे तक संदेश पहुंचाना होता है, वही तरीका है तुझे निमंत्रण देने का।